हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए जी, आज की वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा फैलाग और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर से। और हल्द्वानी शहर के मौसम की बात की जाए तो यहाँ पर आज भी ना कोहरा लगा हुआ है और कोहरे की वजह से ना काफी ज्यादा ठंड हो रही है। और आज मैं जा रही हूँ जयश्री मैम के वहाँ। आप लोगों को पता ही है मेरा थायराइड का चेकअप वगैरह ना वहीं से होता है। मेरी प्रेगनेंसी ना पहले से ही हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। हम लोग ना यहाँ पे ना मतलब डिलीवरी कौन से हॉस्पिटल पे करेंगे, हम लोगों ने अभी कुछ नहीं सोच रखा है। तो उसी रीजन से हम लोग मैम से भी कंसल्ट करके आएंगे आज। फिर उसके बाद फैमिली वाले जो भी डिसीजन लेंगे उसके बाद ही मैं आप लोगों को भी बताऊंगी कि मेरी डिलीवरी कहाँ पर होगी, कौन से हॉस्पिटल पर होगी करके। हमारी गुंजन ना यहाँ पर कान्हा जी की भक्त है तो मुझे ना वो यहाँ पर ना कान्हा जी के कपड़े दिखा रही है और इतने क्यूट क्यूट लग रहे ना। ये देखो, ये पजामा बना रखा है, ये बंडी है और ये सबसे ज्यादा क्यूट तो ना मुझे ये लग रहा है, ये देखो जैकेट कैसे बना देते होंगे ना इतने छोटे छोटे कपड़े। तो यहाँ पे हैं गुन्नू की कान्हा जी और यहीं पर ना ये कमरा पूरा उनको दे रखा है। मतलब ये वाला एरिया ना उनका रूम है, बाकी उनके जो भी बिस्तर कपड़े वगैरह है ना सारे यहाँ पर रखे हैं। और हमारे गुंजन की ना बहुत अच्छी हैबिट है, सुबह सुबह उठ के ना पूजा पाठ कर लेती है। तो ये बात ना मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी क्योंकि बच्चों में अगर ऐसे ही पूजा पाठ की भावना होना तो अच्छा लगता है। मतलब ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, नहीं कि पूरी भक्ति में लग जाओ। तो पढ़ाई के साथ साथ ना गुंजन यहाँ पर पूजा पाठ भी करती है ना, अच्छा लगता है। जी, अब हम लोग भी चलते हैं दीदी के रूम से माता रानी का आशीर्वाद लेते हुए और साथ में कान्हा जी का। आज हमारे साथ ना लक्कू भी चल रहा है तो थोड़ा बहुत ना इसे भी घुमा के लाते हैं। और इसे ना बाजार घूमने से ज्यादा ना गाड़ी में जाने की शौक है। हल्द्वानी में कोहरे की वजह से ना काफी ज्यादा ठंड हो रही है। कल परसों तो हमें उतना नहीं लग रहा था लेकिन आज ठंड ना काफी ज्यादा लग रहा है। और यहाँ का ठंडा ना सीधे मतलब पेट में या कलेजे में बैठ रहा है ना। मम्मी, वैसे गांव में ऐसा वाला ठंडा नहीं होता, गांव में ठंडा होता है जब, तो फिर भी हम लोग सह लेते हैं। लेकिन यहाँ के ठंडे से ना सर दर्द हो रही है और तबीयत ना धीरे धीरे करके खराब हो रही है। तो हमें इस ठंडे से ना बचना भी है। हम लोग हॉस्पिटल भी पहुंच गए हैं और यहाँ पर ना हम लोगों ने मॉर्निंग पर आके अपना नंबर लगा दिया था तो मेरा सेकंड नंबर है ना। फर्स्ट में एक बार बीपी वगैरह चेक करवा लेते हैं और देखते हैं मैम बैठी है नहीं बैठी है अभी तक। चलिए जी, यहाँ पर मेरा बीपी भी चेक हो चुका है और साथ में वेट वगैरह भी। और अभी ना मेरा नंबर आने वाला है तो मैं यहाँ पर वेटिंग पे बैठी हूँ। और हॉस्पिटल के यहाँ पे जो स्टाफ है ना वो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, जैसे कि आंटी जी, तो ये ना हमेशा मुझे यहाँ पर मिल जाते हैं और मुझे पहचान लेते हैं। पहचान लेते हो? आराम से पहचान लेते हैं क्योंकि वीडियो भी देखते हैं और पहचान हो रही है। तो अभी मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ क्योंकि अंदर पेशेंट गए हैं, फिर उसके बाद मेरी टर्न आएगी, फिर देखते हैं मैम क्या बोलते हैं। तो मम्मी और लक्कू भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और लक्कू को ना यहाँ पर कुछ भी करने के लिए नहीं मिल रहा। कहाँ जाना है? फोन लाओ बोल रहा। चेकअप भी हो गया है और मेरी यहाँ पे ना एक हफ्ते की मेडिसिन चलेंगी और उसके बाद होगा मेरा रिपीट टेस्ट। कि यहाँ पे ना मेरा बीपी भी बढ़ा हुआ आ रहा है तो मुझे ना डेली बीपी चेक भी करवाना है। तो मुझे बीपी की कोई प्रॉब्लम है नहीं लेकिन क्या पता इस टाइम पे टेंशन की वजह से और थोड़ी घबराहट की वजह से ना बीपी बढ़ रहा होगा। मैम ने ना मुझे सजेस्ट किया कि कभी सुबह के टाइम पे, कभी दिन के टाइम पे और कभी शाम के टाइम पे अपना बीपी चेक करवाते रहना। तो अभी हॉस्पिटल का काम भी हो गया है तो अब चलते हैं। अब कहाँ जाएं? कमरे में खाना बनाते हैं, मस्त करके खाना बनाते हैं। अभी दवाइयाँ दे रखी है जब तो ना थोड़ी सी उम्मीद हो रही है कि अब सही हो जाएगा करके ना। अब डर नहीं लग रहा ना अंदर से? पहले ना डर लग रहा था सच में। मैं कितना भी मतलब खुश हूँ, कितना भी हंस के बोलूँ, इतनी बार ब्लड टेस्ट करा कर दिक्कत आई क्या है तो हम बहुत जल्दी बताएंगे क्योंकि अभी हम ही खुद ही कंफ्यूजन में है ना। हाँ, और हमें खुद ही पता नहीं था कि ऐसी भी प्रॉब्लम होती है करके। हमें फर्स्ट टाइम पता चल रहा है ना। मम्मी बोल रही है ऐसा भी होता है क्या, बोल रही है। तो हम आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे आखिर क्या दिक्कत है, किस चीज की दवाई हम लोग अभी खा रहे हैं इस टाइम पे ना। हल्द्वानी शहर इतना फैला हुआ है, यहाँ पे एक कोने में बहुत ज्यादा कोहरा लग रहा और एक साइड ना बिल्कुल भी कोहरा नहीं है। तो दीदी की साइड को ना बहुत ज्यादा कोहरा लगा हुआ है, वहाँ पर कल भी धूप नहीं थी लेकिन मुखानी साइड को, कालूसाई मंदिर साइड को ना कल धूप थी। और अभी भी ना यहाँ पे मौसम साफ ही है, मतलब कोहरा नहीं लगा है लेकिन ठंडा हो रहा है ना। हॉस्पिटल से घर जाते हुए हम लोगों ने यहाँ पे फ्रूट्स भी रख लिए हैं, तो हमने कीवी और अनार रख लिया है। बाकी फ्रूट्स वगैरह तो रूम पे ही हैं, बस ये खत्म हुए थे तो इन्हें ले चलते हैं। हल्द्वानी शहर में भी हर जगह जय श्री राम के झंडे दिख रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। पूरी अयोध्या तो ना अच्छी से सज चुकी है और हल्द्वानी शहर में भी ना इसकी काफी ज्यादा रौनक है। शहर में ना इतना डिफरेंट हो जाता है, यहीं पर कोहरा नहीं है और सामने से कोहरा स्टार्ट हो जा रहा है। देखो इतना कोहरा लगा हुआ है यहाँ से। अभी हम लोग रिलायंस पे आ चुके हैं और यहाँ से ना दीदी के रूम के लिए कुछ ग्रोसरी का सामान ले चलते हैं।
हेलो, कैसे हो? बस बढ़िया। आपका डेली व्लॉग देखती हूँ। थैंक यू। नमस्ते। यहाँ पे ना मुझे काफी सारे YouTube फैमिली के मेंबर्स भी मिल रहे हैं, कुछ तो ये रहे और कुछ शायद ना अभी अपना काम कर रहे हैं, वो बिजी हैं। बाकी यहाँ पे ना हम लोग शॉपिंग करने आए तो काफी ज्यादा अच्छा लगा, हम लोगों ने शॉपिंग भी कर ली है और यहाँ पे ना काफी सारे ऑफर भी चल रहे हैं रिलायंस पे, तो आप लोग भी एक बार यहाँ पे विजिट करना और यहाँ पे ना ऑफर्स का फायदा उठाइएगा। यहाँ का स्टाफ ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उन्होंने हमारे ना पूरी तरह से हेल्प की। तो ट्रॉली वगैरह में ले जा रही थी ना तो उन्होंने मना किया और हमारे साथ ना एक को भेजा और काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और स्पेशली तो मतलब YouTube फैमिली के मेंबर से करके ना और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच, वेलकम मैम। हम के लिए बहुत बढ़िया लगा, मतलब बहुत बढ़िया लगा। बताइए ना, हम लोगों को वहाँ गाँव के हिसाब से यहाँ पर आइडिया नहीं आता, हम लोग तो वहाँ पर मार्केट में गए, दुकानदार को बोला, उन्होंने ही दिया, तो यहाँ पर तो कुछ चीज़ें ना खुद ही लेनी पड़ती है जो तुम्हें पसंद हो, तो यहाँ पर हमारी बहुत हेल्प की, थैंक यू फिर से। कुछ इतनी सी शॉपिंग हमने यहाँ से की है और अभी हमें ना आइडिया भी नहीं था कि दीदी के रूम पे क्या क्या खत्म हुआ है करके, तो हम लोगों ने ना अपने अंदाजे से थोड़ा बहुत यहाँ पर सामान रख लिया है, बाकी जो भी खत्म होगा ना फिर आते रहेंगे लेने के लिए, क्योंकि ग्रोसरी ना नजदीक में ही है यहाँ पे। सभी लोग ना यहाँ पे सामान बांट के ला रहे हैं, थोड़ा लक्कू ला रहा है, छोटा छोटा, बड़ा बड़ा पापा ला रहे हैं, बाकी मम्मी और मिस्टर जी भी लेके आ रहे हैं, और मेरे तो ना खुद ही पानी का बोतल और डॉक्यूमेंट्स वगैरह ही काफी ज्यादा भारी हो रखे हैं, तो मैं इन्हीं को लेके चल रही हूँ। दिन के 2 बज चुके हैं और दीदी ने और मम्मी ने मिलकर ना यहाँ पे लंच भी बना लिया है, और बाहर ना अभी तक धूप नहीं आ रखी और आज ना काफी ज्यादा ठंडा हो रहा। मैंने तो इतने सारे कपड़े पहने हैं ना, लेकिन अभी भी ना ठंडा ही हो रहा, और मम्मी बोल रहे हैं यहाँ पे धूप आना मतलब सपनों में धूप को देखना। तो चावल देख के ना खाने का मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि ठंडे से ना इतनी ज्यादा हालत खराब हो रखी है। मैंने तो बहुत सारे कपड़े पहने, ऊपर से शॉल भी हो रखा है, और खाना खाने के बाद ना फिर बिस्तर के अंदर घुस जाएंगे। तो फटाफट से टेस्टी सा लंच कर लेते हैं। शाम के 6 बज चुके हैं और खाना खाने के बाद ना मैं जैसे बिस्तर में लेटी, मुझे पता नहीं क्यों नींद आ गई। मैंने जो दवा लिखी थी मैंने वो दवा खाई, शायद दवाई की वजह से ना मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ गई। और अभी जैसे ही उठ के देखा जब तो यहाँ पे ना 6 बजने को हैं और यहाँ पे ना लाइट भी नहीं है, तो हम लोग अंधेरे में ऐसे ही बैठे हैं और हम लोग ना बिस्तर के अंदर ऐसे बैठ रखे हैं। घर पर तो आके सामने बैठे थे, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने ना बिस्तर उठाया ही नहीं है, बिस्तर के अंदर ही घुसे हुए हैं। तो अब ना दीदी लोग भी खाने की तैयारी कर रहे हैं और मैं बच्चों को ना पढ़ाई कराऊंगी। तो आज की वीडियो को अब इतना ही रखते हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से शेयर कीजिए। मैं नो मिलती हूँ आपको जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपना ख्याल रखें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय।